देखें, अभी हालात ऐसे हो गए हैं पंजाब में कि किसी के कोई भी एफआईआर हो उसमें अमृतपाल का नाम जोड़ना उनके लिए ज़रूरी हो गया। कोई भी इंसान और कोई भी जथेबंदी संगठन जो धर्म के राह पे चलेगा वो सुर्खियों में आएगा, उस पर विवाद भी खड़े करेंगे लोग, क्योंकि सच का रास्ता ऐसे ही, सच का मार्ग ऐसे ही है। वहाँ पर अब चलते हैं तो आपको मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। जो तो अंग्रेजों की हुकूमत सी ना, उदों जो अंग्रेजों खिलाफ़ लड़ते थे वो अतवादी सन। हुकूमत बदली तो जोड़े इस हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले ने वो अतवादी बन गए। देखो, पंजाब दे विच जिहड़ा पानी है वो ग्राउंड वाटर तो लैके जिहड़ा रिवर वाटर है वो आपां नूं पता डेंजरस लैवल तो भी थले चला गया। उन्होंने पता है भी पानी पंजाब कोल नहीं है। हरियाणे ते पंजाब दे विच पाड़ पाउण लई जिहड़ा किसानी मोर्चे सांझ बनी उन्हें तोड़न वास्ते ये किया जा रहा है। तो सज़ा तो बिना भी, सज़ा पूरी होने तो अभी तो कई पांच पांच साल हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हुए जग्गी जौल वर्गिया के। हैं, किताबा रखण के दोष उम्र कैदा हुई सिखां नूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो, बहुत चढ़दी कला वाला जिहड़ा सुनेहा दिता नौजवानों ने कि असीं इत्थे पहुंचे हां, तो उन्होंने स्वागत किया है। तुहाडे सामने जिहड़े नौजवानों का उत्साह है वो तुसीं कैमरिआं च रिकॉर्ड कर ही लिया होना। सो ये फर्क नहीं कोई हैगा हरियाणे दे पंजाब दे विच, भावें हुकूमतां ने इक लकीर खिंची है, उहो जिहे ही साडे नौजवान हरियाणे दे ने, उहो जिहे पंजाब दे ने। तो सारिआं नूं मिलजुल के जिहड़ा रहना चाहिए। अमृतपाल जी, अगर बात की जाए तो जो अमृतसर में हुआ है उसको लेकर आपका नाम लगातार बीच में ले रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं कि सरकार? देखें, अभी हालात ऐसे हो गए हैं पंजाब में कि किसी के कोई भी एफआईआर हो उसमें अमृतपाल का नाम जोड़ना उनके लिए ज़रूरी हो गया। सो मैं उस बात पे कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये मसला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है पंजाब में, वो गवर्नमेंट चाहती है कि सिखों के साथ वो उनको अभी वो नौकरियाँ दे रहे हैं जो सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं, सिखों को जेनोसाइड की धमकियाँ दे रहे हैं। सो ये उनको नहीं करना चाहिए ऐसी बातें जो कर रहे हैं। अमृतपाल जी, बारिश पंजाब दे भी जो है संगठन वो भी सुर्खियों में आ गया, विवादों में आ गया दोबारा से। कोई भी इंसान और कोई भी जथेबंदी संगठन जो धर्म के राह पे चलेगा वो सुर्खियों में आएगा, उस पर विवाद भी खड़े करेंगे लोग, क्योंकि सच का रास्ता ऐसे ही, सच का मार्ग ऐसे ही है। वहाँ पे अब चलते हैं तो आपको मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। अमृतपाल जी, जो भी हक की गल की जाती है तो चाहे वह थोड़े वालों की जाए, जरनैल सिंह पिंडर वाले वालों की जाए, किसी वालों भी की जाए, तो आतंकवाद का नाम दिता जाता है कि आतंकवादी ने और खालिस्तानी ने, की कहना चाहोगे? देखो, जो अंग्रेजों की हुकूमत सी ना, उदों जो अंग्रेजों खिलाफ लड़ते थे वो अतवादी सन। हुकूमत बदली तो जोड़े इस हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले ने वो अतवादी बन गए। ये हुकूमत नहीं रहूगी तो वो जोड़े अतवादी और शहीद हो जाएंगे। सो ये हुकूमत के उत्ते होंगे, जो हुकूमत बदल जाती तो सारा कुछ बदल जाता है। अमृतपाल जी, तुम खालसा राज की गल करते हो, किमें खालसा राज की कामना करते हो, किमें चाहते हो? देखो, जिहड़ा राज महाराजा रणजीत सिंह दा अंग्रेजां ने खोया है साडे कोलों, जिहड़े दे धक्के नाल गदारी करके कब्जा कीता है, उस राज नूं वापस मंगदे हां, जिहदे च सारे हिंदू मुसलमान सिख सारे बराबरता नाल बड़े भाईचारे नाल रहिंदे रहे आ, ते जिहदे च कोई दंगा फसाद नहीं, कोई फांसी तक नहीं हुई इक बंदे नूं। अमृतपाल जी, आप खालिस्तान की डिमांड करते हैं? खालिस्तान कोई अगर बात की तो मां पंजाब की बात करते हैं। नहीं, देखो, खालिस्तान ते खालसे राज कोई फर्क नहीं हैगा। वो शब्द जिवें हुण हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान है, इन्ने मुल्क ने, तो खालिस्तान तो कोई डाहूआ करना आप। खालिस्तान तो खालसे राज कोई फर्क नहीं, खालिस्तान उस खालसे का राज है, खालिस्तान है उस खालसे का राज है, जिहड़ा मतलब पहला साडा राज गवाचा सी उन्हूं सरकारे खालसा कहिंदे सी, हुण उह्नूं खालिस्तान कहिंदे। दूजी जात बरादरी और समाज जो है वह कहिंदे कि खालस राज च सिर्फ सिख राज की मांग करते हैं, आकी रहे नूं बाकी बोलते हैं, बाकी रहे ना कोई, ठीक है? नहीं, खालसे का अर्थ है आकी रहे ना कोई का अर्थ है भी जो तुसी जिहड़े पापी लोग ने, जिहड़े जालम लोग ने, वह नहीं रहिंदे खालसे राज दे विच। बेगमपुरा जिहड़ा है सिधांत साडे कोल, जिथे कोई किसी नूं गम नहीं, उस सिधांत ते तौल धर्म दया कपूत इस दे सिधांत ते दया दे उत्ते साडा राज होना है। सो इस करके दूजे लोगों नूं सरबत दे भले दा सिधांत केवल सिखां दे कोल है, ते सिख राज करनगे फिर ही दुनिया दा नजारा हो सकता है, उतार उतारा नहीं तो नहीं हो सकता। एसवाईएल को लेकर आपने बड़ी बात की, लगातार कह भी रहे हैं एसवाईएल का पानी हरियाणा को लेकर, और राजनीति शुरू से होती आ रही है। देखो, पंजाब दे विच जिहड़ा पानी है वो ग्राउंड वाटर तो लैके जो रिवर वाटर है वो आपको पता डेंजरस लैवल तो भी थले चला गया। सो ये सिर्फ पोलीटल डिस्प्यूट खड़ा करूँ एस वाई एल, उन्होंने पता है भी पानी पंजाब को नहीं है। हरियाणे तो पंजाब के पाड़ पाने जो किसानी मोर्चे सांझ बनी उन्होंने तोड़न वास्ते किया जा रहा है, वो चंगा नहीं है भी गंगा का जोड़ा इन्ने 400 मिलियन क्यूबिक फिट के करीब पानी समुद्र से डिगदा है अनयूज्ड, उन्होंने इधर लिया जाए, हरियाणे भी दिता जाए, पंजाब में भी दिता जाए, क्योंकि इतने खेतीबाड़ी होंगी है,
खेतीबाड़ी लिए पानी वरता जाना चाहिए पर इन्होंने सिर्फ लड़ाई पानी है राजधानी चंडीगढ़ के नाँ के उत्ते पंजाब ते हरियाणे नू लड़ के संघर्ष करना चाहिए भी साडा सारा कुछ एक है साडा सभ्याचार एक है साडी बोली एक है साडा बहुत कुछ एक है तो असी इकट्ठे होना है असी आपस च तोड़ विछोड़ा नहीं पाना इस करके उन्होंने महा पंजाब का जिहड़ा हैगा ना नारा दिता सी अगर हजारा डेरे है पंजाब भी और हरियाणा भी तो किमें अपनी बारे सोचते हो देखो डेरा तो जो गुरु डम वो फर्क होंगे जोड़ा कोई बंदा अपने आप को गुरु खवा के उद्दे बलात्कार के परचे होन उद्दे बंब धमाकों के परचे होन उद्दे पत्रकारों के कतल कर परचे होन वो बंदे अपने आप को गुरु खवा तो कह भी मैं गुरु हाँ वह जे डेरे क्यों होने चाहिए पंजाब वो की सिक्ख्या दे रहे हैं लोगों के दंगे भड़का रहे हैं है ना लोगों जोड़ा वा वो मार रहे हैं फिर बाद फिर की होंगे कौमों के आपसी रौला शुरू हो जाता है तो साडे लिए लोड़ है भी असी ऐसे डेरेदारा का जेडे गुरु डम चला रहे हैं झूठा झूठे गुरु बन के विचर रहे हैं झूठे साध बन के विचर रहे उन्होंने विरोध करिए अमृतपाल जी बंदी सिंह की रियायत तैयार करोगे नहीं ये सारे की हमायत है सानू असी सारे की हमायत करते हैं इस गल के उत्ते बंदी सिंह का देखो हिंदुस्तान दे विच एक कानून लागू है वो कानून ने जिनी सज़ा दी उन्नी भुगती गई है हुण जे अपना ही कानून नहीं मनना हुकूमत ने फिर दूजा किदां कोई मनूगा जे हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर खुद नहीं मानती तो फिर दूजा किदां कोई मनूगा अदालतों के यकीन किदां रहू लोगों का सो ये जिहड़ी सिखां नू इदां नहीं छड्डणे बंदी सिंह उन्होंने सिखां नू इकट्ठे हो के अपना एक प्रैशर मेनटेन करना पैना बिल्ड करना पैना है तो उस तो बाद ही बंदी सिंह जिहड़े छुट्टणे सज़ा तो बिना भी अंदर है कई बंदी सिंह देखो सज़ा तो बिना भी सज़ा पूरी होने तो अभी तो कई साल हो गए ट्रायल नहीं शुरू हुए जग्गी जौल वर्गियां दे हैं किताबा रखने के दोष उम्र कैदा हुई सिखां नू सो एक पासे कहना भी सिख साडे भरा ने बराबर दे शहरी ने यह माण है देश का दूजे पासे सिखां ने ऐसा वतीरा करना यह दोगली गल है ये इत्थे कल्ले सिखां दा नहीं जाटां दे कई मुंडे जाट एजुटेशन तो बाद जिहड़े आ उन्हां ते इहो जिहे परचे पाए अजे तक अंदर तुरे फिरदे आ सो हुकूमत इस खिते दे लोकां दे नाल दिल्ली का बहुत वैर है वह नहीं चाहती भी इस खिते दे विच लोक वसण आप दुबई से बिजनेस छोड़कर आ गए और संत भिंडरा वाले जी के राह पर चल पड़े हैं तो ऐसे में कैसे ये डिसीजन लिया हो नहीं देखो जो कारोबार है वो सेकेंडरी होंगे सब तो पहला सानू साड़ी कौम है धर्म है तो जे सानू लगे भी महाराज कहिंदे ना भी जे जीवे पतलथी जाए सब हराम जेता किश खाए जे जीवंदे जी साड़ी पातना खेड़िया जा रहा साडे सिख जेलां च ने तो फिर साढ़े कारोबार जिहड़े कोठियां करां इह कि कहिंदियां ने इह नहीं होणियां चाहीदियां सानू इहनां नू सेकेंडरी करके पहला प्राइमरी तौर ते अपनी कौम दा नहीं ये महाराज दा हुक्म सी महाराज दे सद्दे ते आउणा पैंदा वो जिदे मन च जिहड़ी गल पाउंदा सतगुरु सच्चा पातशाह जे को जिहड़ी सेवा लैनी उही होनी बंदा आप कुछ नहीं कर सकदा।